दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। मंडला, डिंडोरी और मध्य प्रदेश के कई आदिवासी जिले ऐसे हैं जहां नाग पंचमी परंपरागत तरीके से मनाई जाती है। जी हां, मान्यता यह है कि आस्तिक मुनि की शान के आधार पर नाग पंचमी इन इलाकों में मनाई जाती है। श्रद्धा और परंपरा यह है कि यहाँ लोगों का एक समूह सर्वप्रथम नाग देवता का आवाहन करता है और उस आवाहन के बाद उन नाग देवता कुछ युवकों को या भक्तों को या श्रद्धालुओं के ऊपर आ जाते हैं, यानी सवार हो जाते हैं, जिसे परंपरागत तरीके से पीढ़ा बिठालना भी कहा जा सकता है। इन इलाकों में जब नाग देवता किसी के ऊपर सवार होते हैं तो वह व्यक्ति नाग की तरह ही सर्पाकार चलने लगता है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि यदि सर्पदंश का शिकार व्यक्ति, चाहे जहरीले से जहरीले का सांप भी उसे काटता है, तो ये नाग देवता उसका विष उस स्थान से स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो पीड़ित है, सर्पदंश का शिकारी व्यक्ति है, वह ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यह एक मान्यता है, यह एक परंपरा है जो इन आदिवासी इलाकों में होती है। लेकिन जहाँ तक सर्प विशेषज्ञ बताते हैं या सर्प के जानकार बताते हैं कि सर्पों की प्रजाति में 3 प्रजाति ऐसी है जिसका जहर मानव शरीर पर चढ़ता है, जिसके लिए इलाज की सख्त जरूरत है। इसलिए जहाँ तक हो सके वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को ही अपनाएं और अपना इलाज करें जो सर्पदंश से पीड़ित हैं। लेकिन यह भी सही है कि पीढ़ियों से इन आदिवासी इलाकों में पीढ़ा बिठालना, आस्तिक मुनि की पूजा और नाग देवता की पूजा का क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और न्यूज़ दूत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।